नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम भार्गव, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की जो पॉलिटिकल साइंस की यानी कि राजनीति लोकतांत्रिक राजनीति बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र में विविधता। विविधता मतलब होता है अलग अलग चीज़ें। अलग अलग चीज़ों का मतलब होता है एक जगह पर या फिर किसी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की चीज़ें पाया जाना। तो दोस्तों विविधता लोकतंत्र में किस प्रकार से व्याप्त है और लोकतंत्र में विविधता क्यों बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, इन सारी बातों पर हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं पीछे के जो दो चैप्टर थे उसमें हमने क्या पढ़ा। पीछे वाले चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण पढ़ा, जहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, अलग अलग ग्रुप के लोग थे। बेल्जियम में तो अलग क्षेत्राई के लोग थे जहाँ पर अलग भाषाएँ बोली जाती थी, जबकि श्रीलंका में दो अलग अलग प्रकार के लोग थे यानी दो अलग अलग समुदाय के लोग थे। तो हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से दोनों लोगों को आपस में एक साथ रहने का क्या तरीका अपनाया बेल्जियम ने और क्या तरीका अपनाया श्रीलंका ने। इसके बाद दूसरे चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि क्षेत्रीय यानी कि जो क्षेत्रीय विखंडन है उसको किस तरीके से एक किया जा सकता है, लोकल भाषा यानी कि भाषा के ऊपर भाषा नीति के साथ में हम किस तरीके से संघवाद को बनाए रख सकते हैं, किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत बनाए रख सकते हैं। थर्ड चैप्टर में हम दोस्तों पढ़ेंगे कि किसी भी लोकतंत्र में कौन कौन सी विविधताएं आती हैं और उन विविधताओं से लोकतंत्र कैसे निपटता है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को जिसका नाम है लोकतंत्र में विविधता। लोकतंत्र में विविधता, दोस्तों लोकतंत्र में जो एकता, ये स्टार्ट होता है मैक्सिको की एक कहानी से। मैक्सिको यानी कि अमेरिका का एक सिटी जो कि 1968 में यहाँ पर एक ओलंपिक गेम हो रहा था, आप इसकी वीडियो शॉट में देख सकते हैं। ओलंपिक गेम के दौरान यहाँ पर 200 मीटर की रेस कराई गई जिसमें 3 लोगों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी का स्थान प्राप्त किया। हर एक रेस में जैसा कि होता है एक फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है और एक थर्ड आता है। तो जो फर्स्ट पर्सन था जिसका नाम था टॉमी स्मिथ, सेकंड पर्सन का नाम था पीटर नॉर्मन और थर्ड पर्सन का नाम था जो रेस जीते थे थर्ड पर्सन जिनका नाम था जॉन कार्लोस। दोस्तों जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, ये दोनों एफ्रो अमेरिकन व्यक्ति थे और जबकि पीटर नॉर्मन ये ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति थे जो कि ऑस्ट्रेलिया से ओलंपिक गेम में खेल रहे थे। तो दोस्तों ये जो जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ हैं इन्होंने गेम खेलने के साथ में एक बहुत बड़ा संदेश दिया, पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करा। पूरी दुनिया जो भी इनको देख रही थी, जो भी ओलंपिक गेम्स में रुचि रखते थे, उन सब की तरफ अट्रैक्शन बढ़ाया इन्होंने अपना खुद का सिर्फ एक छोटे से काम से, और वो भी तब जब ये गेम में अवार्ड ले रहे थे। तो आप देखिए कि वो कौन सा काम इन्होंने किया। देखिए सबसे पहले जब इन्होंने रेस जीता तो इनको स्टेज पर यानी कि इनको पुरस्कार देने के लिए पुरस्कार गया था टॉमी स्मिथ जो कि प्रथम आए थे रेस में, फर्स्ट आए थे, इनको स्वर्ण पदक दिया जा रहा था। पीटर नॉर्मन सेकंड आए थे रेस में, इनको सेकंड का यानी कि रजत पदक दिया जा रहा था, और जबकि जॉन कार्लोस ये तृतीय आए थे, थर्ड आए थे, इनको कांस्य पदक दिया जा रहा था। तो जैसे में इनको फर्स्ट और थर्ड पर्सन को अपना अपना पदक प्रदान किया गया, वैसे ही इन्होंने अपना एक हाथ बंद करके ऊपर एक मुट्ठी किया और अपना सर नीचे करके खड़े हो गए। दोस्तों एफ्रो अमेरिकन की अगर हम बात करें तो एफ्रो अमेरिकन का मतलब होता है ऐसे लोग जो अमेरिका में बाहर से लाए गए और ये अश्वेत होते हैं। अश्वेत का मतलब गोरे नहीं होते, अश्वेत आप कोई भी रंग समझ लीजिए, सिंपल भाषा में काला रंग ही होता है। तो अश्वेत लोग थे। अश्वेत लोगों का ज़्यादातर अमेरिका में क्या होता है कि 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान दास बना करके लाए गए थे दूसरे देशों से और वहाँ पर काम करते हुए कंटिन्यू अपनी ज़िंदगी चला रहे थे। नागरिकता इनकी अमेरिकन हो चुकी थी इसलिए अमेरिकन व्यक्ति ही थे, परंतु इनके साथ जो व्यवहार था वो बहुत ही बुरा हो रहा था, सामाजिक भेदभाव बहुत ज़्यादा हो रहा था, सामाजिक कुरीतियों में इनका जो आंकड़ा था, जो इनकी संख्या थी, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंसी हुई थी। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन्होंने जो अपना हाथ ऊपर करा उससे इन्होंने क्या संदेश दिया। देखिए दोस्तों एफ्रो अमेरिकन से तो आप समझ गए कि ये अमेरिकन थे, लेकिन जो पीटर नॉर्मन व्यक्ति हैं वो ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने दोस्तों का साथ दिया, इन्हीं दोनों दोस्तों का। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि इनकी क्या स्थिति थी। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस दोनों ने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं। टॉमी स्मिथ ने अपने गले में एक काले कलर का मफलर बांधा हुआ है। इस मफलर का मतलब होता है आत्मविश्वास।
जितने भी एफ्रो अमेरिकन लोग हैं, यानी कि जो ब्लैक कलर के लोग हैं, यानी कि जितने भी सफ़ेद रंग के नहीं लोग हैं, गोरे लोग नहीं हैं, जिनको हम अश्वेत बोलते हैं, उन लोगों के आत्मविश्वास का प्रतीक होता है मफलर, जो टॉमी स्मिथ ने अपने गले में बांधा हुआ है। जॉन कार्लोस की अगर हम बात करते हैं, तो जॉन कार्लोस ने अपने गले में एक मनकी को माला पहन रखा हुआ है, जो कि कुछ पीछे के टाइम में अश्वेत लोगों के मारे जाने का प्रतीक है, यानी कि उनकी याद में इन्होंने अपना माला पहन रखा है। दोनों लोगों के हाथ में काले कलर के दस्ताने हैं और बंद मुट्ठी है, जिसका प्रतीक जाता है एफ्रो अमेरिकन लोगों के बीच एकता और बंधी हुई शक्तियाँ। दोस्तों, ये इन्होंने जो गेम पर मंच पे अपना प्रदर्शन जारी करा, यानी कि जैसे ही इनको इनाम दिया गया, साथ में ये खड़े हो गए अपने इस पोजीशन में, और इससे उनके पूरे जितना भी अंतर्राष्ट्रीय लोग या फिर राष्ट्रीय लोग इनको देख रहे थे, उन सबका ध्यान इनके पास गया। लोगों ने ये देखा कि इनके पैर में सिर्फ मोजे हैं, जूते नहीं हैं, जिसका संकेत इन्होंने ये भी दिया कि हम लोग गरीब हैं, अश्वेत लोग गरीब हैं, उनके पास जूते नहीं हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा था। पहली बार किसी अमेरिकन व्यक्ति ने, एफ्रो अमेरिकन व्यक्ति ने अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत करा, अपनी कमियों को, अपने सामाजिक भेदभाव को समाज के सामने प्रस्तुत करा। और साथ में दोस्तों पीटर नॉर्मन, जो कि ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति थे, जो कि गोरे थे, अश्वेत नहीं थे, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी जर्सी पर, जैकेट पर एक मानवाधिकार का बिल्ला लगाया हुआ था। बिल्ले का प्रतीक ये जा रहा था कि इन दोनों भाइयों को, यानी इन दोनों दोस्तों को, जो भी आप समझ लीजिए, एफ्रो अमेरिकन टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, दोनों व्यक्ति मिलकर के जिस सामाजिक कुरीति में फंसे हुए हैं, इसलिए टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस का पूरा पूरा साथ दिया इनके दोस्त पीटर नॉर्मन, जो कि सेकेंड पोजीशन पर आए हुए थे। अब दोस्तों, ओलंपिक गेम कराने वाले संघ को ऐसा प्रतीत हुआ कि इन्होंने राजनीतिक मुद्दे को एक ओलंपिक गेम के बीच में उठा दिया, जिससे होगा क्या, ओलंपिक ऑलरेडी एक एकता का गेम है, और यहाँ पर जो गेम में दिखाया जा रहा है, जो प्रदर्शन किया जा रहा है, वो एकता से परे है, एकता के विपरीत है। इसलिए इन्होंने, ओलंपिक संघ को ये बात अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने इन तीनों से अपने अपने पदक वापस ले लिए, और तो और पीटर नॉर्मन को ये सजा तक दी, पीटर नॉर्मन को आने वाले ओलंपिक गेम में ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर निकाल दिया। अब ये एक काफ़ी बड़ी सजा हो गई सिर्फ इस काम को अंजाम देने के लिए, लेकिन दोस्तों ये अपने इस गेम से ज़रूर आउट हुए, तीनों लोगों के पदक जरूर वापस चले गए, परंतु सबसे बड़ी बात कि पूरी दुनिया का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हो गया, यानी कि सामाजिक विभिन्नताओं की तरफ पूरा ध्यान चला गया लोगों का, और ये पहला कदम था, इसलिए इस काम को बहुत ज़्यादा सराहा गया। जिस यूनिवर्सिटी में टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस पढ़ते थे, वहाँ पर इनकी काफ़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई, प्रतिमाएँ बनाई गई, और इनकी स्मृति के रूप में उन प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। दोस्तों 2006 में जब पीटर नॉर्मन की मृत्यु हुई, तो जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ उनकी अस्थि में कंधा देने के लिए गए। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा विविधताओं में भरा हुआ अमेरिका का समाज उस समय पर था और आज भी है। बहुत सारे लोग जो कि इस प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग जिनको अलग अलग भरी नज़रों से देखा जाता है, वो लोग इस सामाजिक विभिन्नता का शिकार होते हैं, और कभी कभी ये शिकार हुए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या फिर वो लोकतंत्र में साथ नहीं देते, या फिर वो अपने साथ कुछ अलग कर बैठते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक विभिन्नता को समझे, और लोकतंत्र में इस सामाजिक विभिन्नता को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे के पार्ट मैं आपको अलग वीडियो में बना करके दूंगा, और उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।